नाउ ये आपके देख रहे हो सो मेनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनिजम्स आर देयर। नाउ एक्चुअली जो मलस्का है उसके लिए बहुत सारे चीजें बोले जाते हैं, लाइक जो सैम है, सैम आर देयर, सैम आर देयर, यस सैम। तो सैम जो है, व्हाई इज योर प्रिपरेशन इन स्नेल स्पेस, व्हाई इज योर प्रिपरेशन इन स्नेल स्पेस, इसका मतलब क्या है सर बहुत बताइए। स्लो। मतलब हाँ, मैंने वेरी वेरी स्लो, ओके। एंड व्हाई आर यू सो स्लगिश, प्रदीप आप इतना स्लगिश क्यों हो? तो स्लगिश का मतलब क्या, सुस्त। तो एक्चुअली स्लग एक एनिमल होता है, स्नग इज ऑल्सो ए मलस्क। तो स्लग क्या करता है, उसका स्पीड वेरी वेरी स्लो होता है, एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे क्या माने माने वो सपोज 30-40 दिन में आपका 1 या 2 मिलीमीटर चल लेगा। तो आपको वो चलता हुआ लगेगा या रुका हुआ लगेगा, बोलिए। रुका हुआ तो आपको वो रुका चलता हुआ हुआ लगेगा या रुका हुआ लगेगा, सो लाइक दैट, इसलिए रुका हुआ सर, स्लगिश। अगर वो रुका हुआ जैसा रहेगा तो सर सब खा जाएंगे। अच्छा हाँ, तो इसलिए वो वहां रहेगा रुका हुआ, तो इट विल नॉट वेट इन द रिस्की जोन, ना इट विल वेट इन द नॉन रिस्की जोन, यू अंडरस्टैंड। yes. तो दिस इज द कंसेप्ट। तो अब आ जाइए, सो ये आपका हो गया क्या, सो दिस इज द कंसेप्ट। इसलिए मलस्का हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो मलस्का हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विथ स्पीड, है कि नहीं, या उल्टा। ओके, चलिए। एंड एनी हिंदू हाउस होल्ड यू विल हैव शंख, तो शंख एक मलस्क है। कोई भी हिंदू हाउस होल्ड आप देखोगे आपको शंख मिलेगा, सो वो आपका क्या है, सो दैट इज ऑल्सो व्हाट, मलस्क। उसी तरह से अगर आप फूड देखोगे तो ऑलवेज आप जैसे स्क्विड्स, आपका ऑक्टोपस, सेपिया, ये लोग खाते रहते हैं, सो दैट इज वाई। तो स्पीड जो है, तो स्पीड इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो स्पीड इट इज एसोसिएटेड विथ दीज एनिमल्स, ठीक है, एक है जो फूड। तो इसलिए बहुत पुराने समय से इसे फूड की तरह खाया गया है, प्लस ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑलवेज है कि नहीं, तो ऑलवेज देयर इज ऑर्नामेंटल वैल्यू, ओके। तो ऑलवेज ऑर्नामेंटल वैल्यू आपका इसका होता है, ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड। तो जैसे पर्ल है, इवन आपके घर में क्या है, आपके घर में हम लोग, आप देखोगे जैसे सपोज आप लोग सी बीच में जाते हो, आप लोग क्या लेकर आते हो, जो सीपियों का हार, ओके, जो आपका ऑयस्टर्स हैं, ऑयस्टर्स का हार आप लेकर आते हो, सो दैट इज वाई दीज आर थिंग्स विच वी ऑलवेज ब्रिंग, ओके, सो दैट इज द केस। चलिए, तो ये सब आपका है। नाउ इवन ऑक्टोपस इंक, सेपिया इंक, एक्चुअली ये लोग क्या होते हैं, जिनके पास शेल नहीं होता है तो वो लोग क्या होते हैं, दोज एनिमल्स विच डोंट हैव शेल, सो दे आर व्हाट, दे हेल्प इन देयर, हाउ विल दे प्रोटेक्ट देम सेल्फ, तो दे हैव इंक। तो ये इंक क्या करता है, ये प्रे को पैरालाइज कर देगा, सो इट विल पैरालाइज द प्रे एंड तब तक ये फुर्र होके भाग जाएगा, ओके। नाउ बहुत बड़े बड़े ऑक्टोपसेस आपके पास्ट में हैं, तो जो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है वो कौन है, जायंट स्क्विड, ओके। तो जायंट स्क्विड इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, अराउंड 20 मीटर लंबा होता है। तो ये जो जायंट स्क्विड है ये क्या है बताइए, तो ये जो जायंट स्क्विड है ये इवन बड़े बड़े शिप्स को पलटने का काबिलियत रखता है। फाइन, नाउ उसी तरह जायंट ऑक्टोपस है, एंड दीज एनिमल्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस। आपको याद है
एक वर्ल्ड कप में, आई डोंट रिमेम्बर विच वर्ल्ड कप, उसका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करता था पॉल द ऑक्टोपस, है कि नहीं? तो पॉल द ऑक्टोपस जो है वो उसका फ्यूचर भी इंडिकेट करता था, फ्यूचर ऑफ द मैचेस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड पॉल द ऑक्टोपस. नाउ अब क्या किया जाए बताओ. तो इसलिए दीज एनिमल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्लोज टू ह्यूमन. जो पहले जमाने में आप देखोगे सिप्पी होते थे, मींस दे यूज टू यूज जो इंक, तो राजा लोग देखते थे कि नहीं, वो लोग इंक से लिखते थे. तो सेपिया इंक जो है, या बहुत सारे इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनके इंक्स को हम लोग कलर की तरह भी यूज करते हैं. इवन अगर आपके पास बहुत सारे कलर हैं तो सेपिया भी एक इंक है. ओके, आप देखोगे सेपिया कलर, तो सेपिया कलर इज ऑल्सो एन इंक. ठीक है, तो सेपिया कलर इज ऑल्सो एन इंक, तो आप ये याद रखना. ठीक है, तो इसलिए मलस्क आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपका जो नॉटिलस है, नॉटिलस क्या है? तो नॉटिलस एक आपका सेफलोपॉड है जिसमें शेल होता है. तो जनरली सेफलोपॉड्स में क्या होता है? देयर इज नो शेल. तो जनरली सेफलोपॉड्स हैव नो शेल, बट इसमें क्या होता है? इसमें शेल प्रेजेंट होता है. सो देयर इज शेल. एंड इसका जो फॉसिल है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलियस्ट जेमस्टोन्स. ठीक है, द फॉसिल्स ऑफ दिस एनिमल इज द मोस्ट कॉस्टलियस्ट जेमस्टोन. डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, सो इसीलिए मलस्क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ. ठीक है, चलिए, सो नाउ लेट अस सी देम अगेन. तो ये आप देख रहे हो अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं. ये देख रहे हो, सो दिस इज द शेललेस स्नेल. तो जो शेललेस स्नेल है उसको हम क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड ए स्लग. एंड ये शेल वाला स्नेल है, सो दैट इज कॉल्ड अ स्नेल. ओके, नाउ ये ऑक्टोपस है, ये स्क्विड है. So how do, what do you know the difference between octopus and squid? आप जानते हो कुछ difference? बताइए, उसके नाम में ही रखा है. octopus के octopus आठ पैर होते हैं, eight legs. तो octopus का eight legs होता है, but इसका ten legs होता है. Understood? तो ऑक्टोपस हैज एट लेग्स, स्क्विड हैज टेन लेग्स. फाइन, ऑक्टोपस में कोई शेल नहीं होता, देयर इज नो शेल, बट उसमें शेल होता है. ना अभी हम लोग एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन करते हैं. सो वी विल राइट क्लासिफिकेशन, या सपोज हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मलस्क्स. Of mollusks on the basis of number and nature of shell. तो number and nature of shell. तो कितना shell है and उनका number क्या है, उस आधार पे हम इनको classify करेंगे. So सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए. सबसे फर्स्ट ब्रांच हम लोग क्या करेंगे? शेल एंड शेललेस फॉर्म्स, है कि नहीं? सो द फर्स्ट ब्रांच दैट वी मेक इज द शेल्ड एंड द शेललेस फॉर्म्स. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? शेललेस फॉर्म्स. तो शेललेस फॉर्म्स में सबसे नंबर वन आ जाएगा क्या? ए प्लैकोफोरा. ए प्लैकोफोरा मतलब इसमें नो शेल होता है. ओके, ए मींस नो, प्लैक्स माने प्लेट. ए मींस नो, प्लैक्स माने प्लेट. अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड ए प्लैकोफोरा. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, उसमें शेल नहीं है. सेकंड किस में शेल नहीं है, बोलिए? दे आर द स्लग्स.
तो स्लग्स आर गैस्ट्रोपॉड्स, गैस्ट्रोपॉड्स बट विदाउट शेल, ओके, तो उसमें शेल नहीं होता है। उसके बाद किस में शेल नहीं होता है बोलिए, नंबर थ्री ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में आपका नो शेल होता है, सॉरी ये आपका आ जाएगा किस में, सेफालोपोडा, सेफालोपोडा, सो इसलिए सेफालोपोडा जो है दैट इज व्हाट, सो वो आपका ऑक्टोपस जो है उसका एग्जांपल है, इनमें किसी में शेल नहीं है, सो दैट इज नो शेल, डू यू अंडरस्टैंड। अब इधर हम लोग एक देखेंगे, एक इंटरनल शेल होता है, इंटरनल शेल माने शेल होता है बट इंटरनल, तो वो किस में मिलता है, सो दैट इज फाउंड इन स्क्विड्स, ओके, तो स्क्विड्स आल्सो बिलोंग टू सेफालोपोडा, ठीक है, तो स्क्विड्स आल्सो बिलोंग टू सेफालोपोडा, डू यू अंडरस्टैंड, so these are the shellless forms. अब हम लोग डिस्कस करेंगे shell bearing forms, shell bearing forms. तो इसमें आपके अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बोलिए, so the first thing that we discuss is what, बोलो क्या, तो दैट इज मोनोप्लैकोफोरा, ओके, मोनोप्लैकोफोरा, तो व्हाट इज मोनोप्लैकोफोरा, तो मोनोप्लैकोफोरा का मतलब है सिंगल डॉर्सल प्लेट, तो मोनोप्लैकोफोरा में एक सिंगल डॉर्सल प्लेट होता है, ओके, सो इन मोनोप्लैकोफोरा there is a single dorsal plate, understood, and ye aapka connecting link hota hai between annelida and arthropoda, theek hai, to ye monoplacophora hai, uske baad aa jayega kya number 2, so number 2 is what, polyplacophora, तो पॉली का मतलब क्या होता है बोलिए, मैनी, मैनी, पॉली का मतलब होता है, सो दिस इज कॉल्ड पॉली प्लैकोफोरा, ठीक है, सो जो पॉली प्लैकोफोरा में क्या होता है, 8 डॉर्सल प्लेट्स, ओके, सो देयर इज 8 डॉर्सल प्लेट्स, 8 डॉर्सल प्लेट्स, ठीक है, उसके बाद आता है स्कैफोपोडा, so the next point is scaphopoda, so they are called tusk shells, मतलब इनका जो shell है किस जैसा है, elephant, elephant tusk like shells, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, tusk shell, उसके बाद आ जाएगा क्या, gastropoda, so this is 3 point number 3, okay, point number 4 kya hai, simply gastropoda, isme single coiled shell hota hai, to ek hi shell hota hai, single coiled shell, theek hai, uske baad 5 hota hai kya, again that is called nautiloids, Nautiloids of cephalopoda. इसमें भी क्या होता है? इसमें भी सिंगल शेल होता है. सिंगल शेल. ओके, तो दैट इज सिंगल. अंडरस्टैंड? तो ये आपका सिंगल शेल है. उसके बाद क्या आ जाएगा बताइए? लास्ट है आपका 6. इसको कहते हैं बाइवेल्विया. उसमें क्या होता है, टू शेल होता है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड बाइवेल्विया या पेलेसिपोडा, फाइन, सो दिस इज कॉल्ड बाइवेल्विया एंड पेलेसिपोडा, ठीक है जी, सो दिस इज द आंसर,
ओके तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलस्क्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड टाइप ऑफ शेल। तो समझ आया? चलिए सो नाउ लेट अस गो बैक। तो अब हम लोग अपना जो फीचर्स पढ़ते हैं तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आएगा, जो चीज मैंने आपको दिया उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये हमारा जो ओल्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स है, तो मलस्का का नाम क्यों रखा गया मॉलिस्क। मॉलिस्क का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी। तो मॉलिस्क का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। सो दीज एनिमल्स हैव वेरी वेरी सॉफ्ट बॉडीज, दे मे और मे नॉट हैव शेल। उसमें शेल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड ये वेरी एंशियंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, सो दे आर वेरी एंशियंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एंड ये जो एंशियंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, इसमें आज के डेट पे अराउंड 1 लाख क्लासिफाइड स्पीशीज है। ओके, अराउंड 1 लाख क्लासिफाइड स्पीशीज। नाउ इसीलिए दे आर फाउंड एवरीवेयर एज वी डिस्कस्ड, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द लार्जेस्ट, ओके, दे ऑल्सो हैव द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। तो बहुत सारा स्पेशल पॉइंट इसमें है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, लार्जेस्ट आई, ओके, लार्जेस्ट नर्व्स, बहुत सारा चीज इसमें आप पाएंगे। सो दीज आर स्पेशल थिंग्स विच यू विल फाइंड हियर। ओके, नाउ जनरली जैसे लोग बोलते हैं इसके बॉडी में आप क्या रिपोर्ट करेंगे, यू विल फाइंड इन देयर बॉडी व्हाट, यू विल फाइंड समथिंग लाइक हेड। अब देखो ये स्नेल देख लो, ये क्या है? सो दिस इज द हेड, ओके, एंड ये क्या है? सो दिस इज द फुट। तो हेड ऊपर है, नीचे क्या है? फुट है, एंड उसके ऊपर जो है ये उसका विसरल हम्प है। तो विसरल हम्प में क्या हुआ बोले? तो विसरल हम्प में आपका क्या है? तो यू विल फाइंड द शेल। तो एक्चुअली ये जो विसरल हम्प है उसमें नैक्रियस लेयर है, ओके, ये जो नैक्रियस लेयर ऑफ मेंटल है ये आपका शेल सिक्रीट करता है। सपोज आप अपना नाखून को देखो, अगर नाखून शेल है तो उसके नीचे वाला लेयर नाखून को सिक्रीट करता है, सो दैट इज इक्वल टू मेंटल का नैक्रियस लेयर, ओके, सो दैट इज द नैक्रियस लेयर, यू अंडरस्टैंड। तो अब ये जो नैक्रियस लेयर है तो वो आपका सेल को बनाता है। नाउ सपोज कभी अगर आपके नाखून एंड आपके वो जो कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कुछ बांस का टुकड़ा या बल्ली या कुछ घुस गया तो पेन होगा कि नहीं, बोलो? आपको दर्द होगा ना नहीं होगा? तो आप ये जो आपका जो है तो उसी तरह से उसके शेल एंड नैक्रियस लेयर के बीच में अगर कुछ घुस जाता है तो क्या होगा? तो उसके बीच में भी वो क्या करेगा? वो एक शेल सिक्रीट करेगा। सो इट विल सिक्रीट ए शेल एंड दैट शेल इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट शेल इज कॉल्ड क्या बोलो? पर्ल। तो इसे याद रखेंगे, केमिकल नेचर ऑफ पर्ल एंड केमिकल नेचर ऑफ शेल इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है? तो इसीलिए उस चीज से ये अपना रख रखाव अपना बचाव करता है। समझ में आया? तो शेल एंड इससे वो अपना रख रखाव बचाव करता है। तो अब ये जो शेल है नाउ दिस पर्ल, तो इसीलिए इस चीज का फायदा किसने उठाया? इस चीज का फायदा उठाने वाला कौन है बताओ? तो हु विल टेक द प्रॉफिट? द पर्ल ऑयस्टर पीपल।
तो आजकल जो कोकिची मिकी मोटो है, तो कोकिची मिकी मोटो कौन है? इज द फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। तो उन्होंने इस तरह से क्या किया, उन्होंने पर्ल ऑयस्टर्स को कल्चर किया एंड वो क्या किए, जान बूझ के कुछ ना कुछ उनके नेकरेस लेयर एंड उसके शेल के बीच में डाल देते थे। तो अब तो उस मसल को हम लोग कल्चर करते थे एंड जब वो मसल को कल्चर करते थे तो क्या होगा, तो अब वो आपका पर्ल बन जाएगा। सो दैट इज द कल्चर। तो इसीलिए ये जो पर्ल है तो ये इस चीज से लोगों ने उसका फायदा उठाया, समझ रहे हो? तो इसीलिए पर्ल एंड शेल इज केमिकली द सेम। फिर आप बोलोगे सर पर्ल का वैल्यू ज्यादा है एंड शेल का तो कोई वैल्यू नहीं है। भैया अलग बात है कि पर्ल जो है वो अच्छे अच्छे शेप्स में मिलता है तो उसका हम हार उर बना लेते हैं, प्लस अब कॉस्ट इज अपॉन द डिमांड, तो जो नेचुरल पर्ल से बहुत रेयरली मिलता है, इसीलिए जो अमीर लोग होंगे वो लोग इसको पहनते हैं। अब देखिए जो फटा जीन्स पहनते हैं आज लोग, टॉर्न जीन्स, तो पहले जब लोग है ना टॉर्न जीन्स पहनते थे अब उनको क्या समझते थे, बोलिए। सपोज आप एक लड़का को देख रहे हो फटा हुआ पैंट पहन के घूम रहा है तो आप उसको क्या समझते थे, फैशनेबल ना गरीब, बताइए? गरीब समझते थे कि बेचारे के पास पैंट नहीं है, फट गया है, ऐसे ही घूम रहा है। पर आजकल अगर किसी को फटा हुआ पैंट पहन के आप देखते हो तो आप उसको क्या समझेंगे, गरीब अमीर ना सुपर अमीर, सुपर अमीर। तो इसका मतलब क्या है, हु डिसाइड्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द बायर। अगर अमीर लोग का लोहा पहनने लगेंगे तो लोहा भी तोलों के दाम में गिनेगा। डू यू अंडरस्टैंड ऑर नॉट? इफ सपोज टुमारो ऐश्वर्या राय या कोई भी जो जेनिफर एनिस्टन या कोई भी बड़े बड़े हीरोइन लोग लोहा आयरन का माला पहन के पहनेंगे तो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आयरन का डिमांड बढ़ जाएगा एंड फिर वो भी आपको क्या छोटे छोटे कैरेट के रूप में मिलेगा। ओके, सो लाइक दैट। एंड अगर गोल्ड कोई नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, अपने आप उसका दाम कौड़ियों में आ जाएगा। सो दैट इज वाई डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड द एंड सप्लाई रेशियो आपका क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो सही पे ही दीज पर्ल आर वेरी कॉस्टली, इवन आई टोल्ड यू द एमोनाइट्स, सो दे आर द व्हाट, सो दे आर द फॉसिलाइज्ड, क्या वो किसके फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स ऑफ नॉटिलॉइड्स, सो दे आर द कॉस्टलीस्ट स्टोन विच इज रिपोर्टेड इन दिस वर्ल्ड, सबसे महंगा स्टोन। डू अंडरस्टैंड? चलिए, तो इसीलिए उसी तरह से जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है तो बायोल्यूमिनेसेंस में भी ऑक्टोपस बहुत माहिर है, तो इसलिए आप देखोगे जापान वापान में उनका एक स्क्विड हंटिंग सीजन होता है, तो स्क्विड हंटिंग सीजन में हम लोग क्या करते हैं, वी हंट फॉर द स्क्विड। तो कैसे हंट करते हैं स्क्विड के लिए बोलो, तो किस सीजन में हम लोग स्क्विड का हंटिंग करते हैं, जब वो मेटिंग सीजन होगा। तो जैसे ही मेटिंग सीजन होता है, ये एक दिन दिखा रहा था डिस्कवरी में भी, आपका जो पूरा समंदर नीला नीला हो जाता है, डीप ब्लू इन कलर, व्हाई इन द नाइट्स, तो व्हाई द वाटर बिकम्स डीप ब्लू इन द नाइट, बिकॉज ऑफ ग्लोइंग ऑक्टोपस। तो जो ऑक्टोपस ग्लो कर रहे हैं उसके कारण वो क्या बन गए, सो दे आर हॉट स्पॉट्स एंड अरबों में आते हैं लोग, तो उस समय जो फिशिंग इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, वो ऑयस्टर्स को पकड़ लेते हैं। ओके, देख रहे हो कि नहीं, हाउ दे आर नेचुरल फिनोमिना आर यूज्ड फॉर कमर्शियल एडवांटेज ऑफ सम ऑफ दीज इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, तो लाइक दैट, इस तरह से बहुत सारा स्पीशीज हमारा ध्वंस हो चुका है, बट स्टिल दे आर ऑल्सो देयर।
चलिए सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका एलाबोरेशन करेंगे ओके एंड आपका असाइनमेंट प्रैक्टिस कर लीजिए बिकॉज किसी ना किसी दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही बच्चे ने नाम दिया है, कौन बताओ? आई थिंक प्रदीप हैज सेंड हिज नेम।